हमारी हरिद्वार नगरी आज लगा है यहाँ पे कोहरा, आप देख सकते हैं। हमने सारा इधर दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए मनसा देवी मंदिर ऊपर टॉप में। हम इधर उड़न खटोले से गए थे, वहाँ पे देखिए आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। मनसा देवी मनसा पूरी करती है हर हाल में, मनसा देवी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता। ये है हमारी हरिद्वार नगरी, शिव की नगरी देख सकते हैं। कमला जी देख रहे हैं ऐसे, कमला जी इधर देखो, ये हमारी कमला जी देख रही हैं, कह रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। पीछे आपको पूरे हरिद्वार का दर्शन करा रहे हैं, आप लोग देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे। आज बहुत भीड़ है और आज सारे गंगा में डुबकी लगाने वाले आए हैं। देखिए आप पूरे हरिद्वार नगरी देख सकते हैं। चाचा जी भी आ गए हैं छत में, चाचा जी देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ हो रही करके, और चाचा जी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं। चाचा जी बोलिए आप हम लोगों के लिए। माता जी बची रहना, खूब घर में चहल पहल हो रहे हैं। चाचा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और चाचा जी खूब खुश हैं आज हमारे साथ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा कह रहे हैं। और हम लोगों को भी चाचा जी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम लोग अब जाएंगे घर को। तो मित्रों अब रात की आरती भी आपको दिखाई जाएगी। इधर गंगा जी की आरती, आज बहुत भीड़ है गंगा जी में, बहुत ज़्यादा भीड़। और मनसा देवी का मंदिर भी मैंने आपको दिखाया वो उधर। पुष्पा जी होने लग गई हैं अब तैयार, अब करने लग गए पुष्पा जी हिसाब किताब, पैसे हो गए कह रही सब, कह रहे शीला जी को ही गंगा जी में दर्शन दिखाने में पैसे खत्म। बस खूब चाचा जी के साथ हम लोग यहाँ बढ़िया पूरा दिन बहुत अच्छा। दरबार की जय, बोल गंगा मैया की जय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हम गुरुजी के आश्रम से अब जा रहे हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छा यहाँ पे हमको लगा। इधर खूब बढ़िया सा यहाँ पर, इधर ये चाचा जी का भी, इनका ससुराल भी दसौली में ही है। डोणू में अगर कोई वीडियो में इनको पहचान रहे हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ आश्रम में। ये हमारे गुरुजी हैं चंपावत के हैं, और अभी कल परसों मेरा ये मेरा भांजा भी आशीष तिवारी जी आएंगे, तो गुरुजी उन्हें पहचान लीजिएगा ठीक है। और आपको भी मैंने भांजे के लिए सब बता दिया है गुरुजी, और ये हमारे चाचा जी को तो आप पहचान ही रहे हैं। कल से अपनी बिटिया को, कमला जी आओ बैठो ना गुरुजी के साथ, पुष्पा आ जाओ, पुष्पा जल्दी आओ, तो आगे आ जा, कमला आओ तो कमला। गुरुजी मेरा भांजा आएगा तो उसे यहाँ पर जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा, तो रूम मिल जाएगा, फिर वो अपने आप जाएगा ठीक है। आओ जल्दी आओ पुष्पा, आ जा पुष्पा। तो ये गुरुजी हैं, आप हरिद्वार जो भी भक्त लोग हरिद्वार आना चाहते हैं, आश्रम में रुकना चाहते हैं, तो आप इनके आश्रम में आ जाइएगा। मैं बोलूँगी पंडे के आश्रम में, काशीराम पंडे जी के आश्रम में, और मैं वहाँ से बोलूँगी, शीला जोशी ने भेजा है, संजय भगत जी के आश्रम में पहुँच जाइएगा आप। बस यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, हम बड़े आराम से दिन भर यहाँ पर रहे, गंगा मैया के दर्शन करें, बहुत अच्छा लगा। और ये तो मेरे वैसे फूफा जी हुए भी दसौली में ससुराल है, तो सभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर प्रणाम करिएगा इनको, तो दामाद जी हुए दसौली के। हल्द्वानी से यहाँ आना चाहते हैं जरूर शीला जोशी का नाम ले लेना, गुरुजी आपको यहाँ बढ़िया शरण दे देंगे। ये हमारे फूफा जी भी हैं और यहाँ के कार्यकर्ता हैं पाठक जी, नहीं क्या हुए आप जोशी जी, वे ससुराल हमारे पाठक में है इनकी। इधर मेरे चाचा जी को तो आप लोग पहचानते ही हैं, तीन पानी में संतोषी माता वाले चाचा जी हमारे, और इधर गुरुजी है चंपावत के हैं। गुरुजी आपको जो भी भक्त लोग यहाँ आएंगे तो मेरा जो वीडियो देख रहे हैं गुरुजी से मिलेगा, और आश्रम में रहने के लिए आ जाइएगा। चाचा जी है मार्केट,
देखिए अभी फिर हो गई है भीड़, अब हो गई आरती शाम की, रात की आरती होगी अभी। हाँ आज पूरा मेला ही है, आज है कि मेरे पास है डिब्बे हैं। हाँ डिब्बे हैं। अच्छा ये देखिए रात का गंगा मैया के दर्शन का नज़ारा, रात में आप लोग देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल से अभी भीड़ से बाहर हो रहे हम लोग, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है दिन भर यहाँ पे, तो भीड़ से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। देखिए आप ये इधर देख लीजिए, मार्केट बिल्कुल दीपावली की तरह छत चुकी है, सारे लाइटों से ऊपर देख लीजिए। इधर आगे भीड़ देखिए आप, पुष्पा जी चल नहीं पा रहे हैं, बोल रहे तुम बहुत दौड़ रहे हो गए हैं, लेकिन आइए चाची जी आइए। इधर पुष्पा जी, इधर सारी भीड़, इधर हम लोग, तो हम दौड़ रहे हैं से देख सकते हैं आप। देखिए आप रात में अभी ग्रहण खत्म होने के बाद यहाँ का नज़ारा, सारे लोग भीड़ देख सकते हैं। आज हो गया 8 बजे, ये देखिए आप, ये पूरा गंगा जी के दर्शन देख सकते हैं, मतलब आपको गंगा जी के दर्शन कर, ये देखिए आपको भागीरथी ला रहे चाचा जी, ये देखिए सब लोग नहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी होने से ज़्यादा लोग बीच में नहाने के लिए नहीं जा पा रहे। आप देख लीजिए आरती होगी आज 8 बजे, अभी ग्रहण छुटाने के बाद सब लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप। अभी हम लोग भी गंगा जी में दर्शन करेंगे, आपको माँ गंगा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहीं से दर्शन कर लीजिए, मन की आंखों से डुबकी लगा लीजिए जी। पुष्पा कमला सब नीचे चले गए गंगा जी में, अब मेरी बारी है, अभी हम भी डुबकी लगाएंगे। ये देखिए आपको गंगा जी के दर्शन करा दें, तो सभी ने ग्रहण अपना धो लिया। देखिए उधर भीड़ देख सकते हैं, ये देखिए गंगा जी के दर्शन कीजिए। अब लगी है गंगा जल भरने की भीड़, गंगा मैया के दर्शन। ओ गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, जब तक ये पानी हमारी गंगा मैया जी, आज खूब दो बार हमारे गंगा मैया देख लीजिए।
बहुत भीड़ है मित्रों, बहुत भीड़, कहीं जगह ही नहीं है, धक्का मुक्की चल रही है, चल भर के ला रही है। देखिए कैसे गंगा मैया कैसा रूप धारण करके, देखिए देखिए बहुत बढ़िया। ये देखो अब मैंने भर के लाऊंगा, अब नहीं नहाने घर की पौड़ी माँ, गंगा माँ घर की पौड़ी माँ, आ जावे दुर्गे माँ घर की पौड़ी माँ, गंगा मैया गंगा मैया। हाँ भर दो पूरा भर दीजिए चाचा जी, फूल भी चढ़ाने हैं, पुष्पा फूल चढ़ाओ, एक बोतल और भर दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखो बड़ी मुश्किल से गंगा जल भरा जा रहा है, ये मेरे चाचा जी ने सारे फूल, जय हो हमारे चाचा जी की गंगा मैया में। चाचा जी ने इतना साथ हमारा दे रखा है, देख रहे हमारे चाचा जी खूब एक्टिव हो रहे हैं। देखे दोबारा नहा भी लिया हम लोगों ने, पूरा भीग गए। खड़ा चौक पर यहाँ देखे भीड़, देखे आप यहाँ की भीड़। मित्रों अब निकल चुके हैं हम घर के लिए, आरती में इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो पाए दूर से भी। देखे यहाँ की भीड़ आप, ये है हर मिसाल, बिल्कुल बिल्कुल पहले रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। अब पहुंच रहे हम लोग रेलवे स्टेशन, शिव की नगरी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अब हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, अब हम यहाँ पता करेंगे। यहाँ देख सकते हैं भीड़, ये देखिए ये है रेलवे स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं, आप पता कर रहे हैं ट्रेन, सारे बेचारे ऐसे बैठे हैं, ये पता कर रहे हैं ट्रेन कितने बजे की है। ये करना पड़ेगा, इधर देख लीजिए। तो ये देखिए ये हो रहे हैं हमारे साथ साथ भोले जी के दर्शन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन। जय भोले शंकर आपकी सदा जय जय। सारे लोग बस में हैं, से बस हो गई है रवाना। हेलो बोलो पुष्पा जी, सभी को हेलो करो। कैसा लगा आपको हरिद्वार गंगा जी में? बहुत अच्छा लगा। और आपको गंगा जी में डुबकी लगवाई थी? हाँ जी। और पुष्पा को बहुत अच्छा लगा। पुष्पा जी बोल रहे हैं अब आते रहेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग ऋषिकेश भी जाएंगे। हाँ। और बहुत अच्छा हमारा सफर रहा है यहाँ पे, और चाचा जी हमारे साथ थे और अच्छा लगा। पुष्पा जी थोड़ा आगे बैठी है तो सॉरी, ये मेरी पुष्पा जी और कमला जी आगे बैठी है तो उनको थोड़ा नींद आ रही है। सारे लोग बैठे हैं बस में, देख रहे कोई लोग सो गए हैं कोई लोग बैठे हैं, तो बस चल रही है। मैं रेलवे स्टेशन भी गई थी, 1 बजे की वहाँ पर ट्रेन थी, तो फिर हम लोग वापस बस में ही आ गए, इतनी 1 बजे रात तक बैठ के क्या करेंगे। बहुत अच्छा सफ़र रहा मित्रों आज का, बहुत अच्छा।
सारा दर्शन आपको दिखाया जाएगा, मनसा देवी का, गंगा जी का, गंगा आरती में थोड़ा सा भीड़ काफ़ी होने से हम गंगा आरती सुबह की तो देख ली थी, शाम की नहीं देख पाए, तो काफ़ी दूर से हम लोग उतनी भीड़ में आगे जा नहीं पाए, तो काफ़ी अच्छा लगा है। बस अब हम घर पहुंच रहे हैं, बस अब हम लोग यात्रा से पहुंच चुके हैं घर। कमला जी इधर को देखो, बस गुड मॉर्निंग सबको।